हेलो गाइस, वेलकम आपका एक नई वीडियो में। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे ब्लू टिक की। देखो, ब्लू टिक की शुरुआत एलन मस्क ने की। एलन मस्क ने जब से ट्विटर को 3.5 लाख करोड़ रुपए में ख़रीदा, तब से वो चर्चा का विषय बना रहा। धीरे धीरे मतलब फिर उसकी जो कमाई थी ट्विटर की, वो भी गिर चुकी थी। ट्विटर की कमाई गिरने के बाद एलन मस्क तो है ही, देखो, माइंड वाले बिजनेसमैन, सबसे अमीर इंसान दुनिया के, स्पेस एक्स के मालिक, टेस्ला के मालिक, जो अब इंडिया में आने के जद्दोजहद कर रही है। मोदी जी से मुलाकात भी की है, इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने के लिए वो ज़मीन की तलाश भी कर रहे हैं। तो गाइस, मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्लू टिक, एलन मस्क का आइडिया एलन मस्क ने लगा दिया, मतलब उसके लिए प्लान निकाला कि 799 800 रुपये 1000 रुपये महीने के, जिसको भी ब्लू टिक चाहिए या जिसके अकाउंट पर भी ब्लू टिक है, उसको इतने रुपए देने पड़ेंगे। दूसरी बात, बीच में अभी न्यूज़ आ रही थी कि जो भी सेलिब्रिटी वगैरह हैं, जो जैसे कि विराट कोहली है या अदर जो भी सेलिब्रिटी हैं, उनका ब्लू टिक हटा लिया गया, पेमेंट वगैरह कुछ भी मेथड होगा, लेकिन बाद में वो दे दिया गया। काफ़ी चर्चा में रहे थे, 3.5 लाख करोड़ रुपये में ट्विटर का अधिग्रहण किया, उससे क्या फ़ायदा हुआ, क्या नहीं हुआ। देखो, जो भी स्टार्टअप बनते हैं, जो भी कंपनीज बनती हैं, उनका ना एक दूसरे से कनेक्शन तो होता ही रहता है। अब एलन मस्क ने ट्विटर खरीद लिया, ट्विटर की सेल्स भी गिर गई, मतलब काफ़ी अकाउंट्स भी डिलीट किए गए, काफ़ी मतलब चर्चा में रहे वो, अब भी हैं चर्चा में ट्विटर की वजह से। मतलब एलन मस्क का तो वो है ना, आजकल दो साल से, जब से वो उनका जो लॉकडाउन लगाया है, उसके बाद जो टेस्ला ने जो रफ्तार पकड़ी है, उसके बाद तो एलन मस्क तो मतलब फेमस ही हो गया, नाम ही हो गया। मतलब एलन मस्क का भाई, जिसको भी आता है सोना नहीं हीरा बन जाएगा। एलन मस्क ने जो भी अपना क्रिप्टो करेंसी में कितना योगदान दिया, डो कॉइन, वो बोला कि कुछ भी, मतलब वो एक ट्वीट कर दे ना तो मतलब पूरी दुनिया हिल जाती है, वो वाला है। तो एलन मस्क ने जब ट्विटर के देखा कि हफरा तफरी मच रही है, उनने काफ़ी अपने कर्मचारियों को निकाला, जो भी है उनकी कंट्रोवर्सी भी हुई, काफ़ी चीज़ें हुई, साथ में फिर अलग जो अदर्स जो सोशल मीडियाज़ जो प्लेटफॉर्म थे, जैसे व्हाट्सएप, फेसबुक, मेटा, जो हम एक बोलते हैं नया नाम निकल गया है मेटा, उसने भी कॉपी कर लिया। तो ट्विटर की देख रेख में उनसे ये चीज़ें कॉपी कर ली कि ट्विटर ने अब ब्लू टिक वाला सिस्टम कर दिया ना, ये 900 रुपये देने पड़ेंगे मंथली जिसको ब्लू टिक चाहिए। अब वो सिस्टम नहीं है, आगे आपको वेरिफिकेशन नहीं करवाना मत कराओ, आप पेमेंट दीजिए। अब पेमेंट का वेरीफाइड बैच आने लग गया, आप अगर देख लें, रोल आउट हो रहा था ये, अभी इंडिया में भी अवेलेबल है। तो ब्लू टिक वाला सिस्टम है ना, आप पैसे में भी खरीद सकते हैं, लेकिन पैसे में देखो कोई मज़ा नहीं है। एक आपको चीज़ नेचुरली मिले, एक अपन खुद बनाएं, वही तो नेचर अपने जो चीज़ देती है ना, उसका तो मज़ा अलग ही है ना। एक तो कोई बात है, देखो अगर हम देखो फसल में पानी देते हैं या बरसात हो जाती है, तो बरसात वाला पानी अच्छा है ना, चाहे वो पैसा भी हो, तो वो वाली बात है। तो ब्लू टिक आप एक अपनी मेहनत से गेन करते हो या फिर एक पैसा दे के, तो मेहनत वाले में मज़ा है। तो मैं एक चीज़ मैं बोलने वाला था कि 700 रुपये दे के अब बहुत ज़्यादा लोग ना ब्लू टिक खरीद रहे हैं। मतलब ब्लू टिक में क्या है यार, ब्लू टिक का साइन दिखेगा बस, उससे कुछ मतलब वो नहीं है। वो आपको भी पता है कि आपने कितनी मेहनत की है, कितनी मेहनत नहीं की है, कैसे आपने गेन किया है। और एक आपने डेली वीडियोज़ डाल के, रील्स अपलोड करके अपनी मेहनत की है, उसमें अपने जो भी अपना स्टार्टअप है, आप जो करना चाहते हैं, जिसके बारे में आप लोगों को बताना चाहते हैं, उसके बारे में आपने मतलब आप जिस फील्ड में हो, मान लो आप रनर हो, आप एथलेटिक्स हो, आप वर्कआउट से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड करते हो, रील्स बनाते हो, उससे रिलेटेड आप अगर नॉलेज दे रहे हो ना, तो हाँ आपकी जो रीच है वो जा रही है, ऑटोमेटिकली जा रही है, उससे आपको पता है, आपको आपकी फैमिली भी बिल्डअप हो रही है। दूसरा, आपको मतलब मज़ा भी आएगा कि हाँ मेरी रीच बढ़ रही है, मेरे फॉलोअर्स आ रहे हैं, मैं जो काम कर रहा हूँ, मैं जो काम दिखाना चाहता हूँ, उससे लोगों की हेल्प हो रही है ना। तो उन सब चीज़ों से आपको बेनिफिट होगा,
आप जो भी कर रहे हो, मैं रनर हूँ, मैं आपको वीडियो बना रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ ब्लू टिक के बारे में, तो उस ब्लू टिक का उसमें मतलब कोई एफर्ट नहीं है। आप अगर पैसे दे के उसको आप खरीदते हो ना, तो उससे आपके जो मन में जो फीलिंग है ना, फीलिंग नहीं आएगी कि हाँ मैंने मतलब, हाँ ये है कि पैसे चले जाएंगे आपके। और मैं आपको एक फैक्ट बताता हूँ, इंस्टाग्राम ने, इंस्टाग्राम मेटा, इंस्टाग्राम फेसबुक ने जो मतलब अपना ब्लू टिक वाला जो बेचा है ना, मतलब बेचा का मतलब है कि आप पेमेंट दे के 700 रुपये दे के 800 रुपये दे के मंथली आप वेरीफाई टिक ले सकते हो, तो उससे एक दिन की कमाई 5,500 करोड़ रुपये मेटा ने मतलब ये सूखी कमाई है। इसमें मतलब कुछ नहीं करना, अगर आपको ब्लू टिक चाहिए तो इतना मतलब कंपनी को इतना पैसा वो उन्होंने एक दिन में कमा लिया है। और ये तो एक इंडिया इंडिया की बात है, मतलब एक दिन में ज़्यादा छोटी अमाउंट नहीं है, 5,500 से 6,000 करोड़ रुपए उन्होंने ब्लू टिक के कमा लिए, सूखी कमाई। शेयर्स भी बढ़े होंगे, मतलब शेयर्स में जो उनका जो कंपनी मतलब लिस्टेड है उसमें भी ग्रोथ आई होगी, तो पंप मिलता है। इन चीज़ों को समझो, ब्लू टिक अगर आप मेहनत करो ना, मेहनत करो, फॉर्म वगैरह भरो उस तरीके से, फिर ये जो जो कंपनीज ना कॉपी करती हैं किसी चीज़ को, प्रोडक्ट को, अगर मैंने कुछ बनाया है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे देख देख के मेरे को अगर आप दबाने की कोशिश करो ना, इससे कुछ नहीं होने वाला है। आप मेहनत करो, आप अपना जो है, अपना जो टैलेंट है, अपना जो एफर्ट है, उसमें उस पर काम करो, दूसरे को दबाने की मत सोचो। इन सब चीज़ों से कुछ नहीं होने वाला। तो गाइस मेरा इसी वीडियो में यही था कि ब्लू टिक जो है उस पर ध्यान मत दो, अपना मेहनत करो। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। थैंक यू।